अब मान लीजिए आपने आधा अधूरा काम करके, जैसे मान लीजिए अभी हमने जो टेबल बनाई उसको आपने देखा ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा ये सेलेक्ट वाला हिस्सा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो बिगनर स्टूडेंट हैं, जिनको ये जानकारी नहीं है, वो सीधा इसको सेलेक्ट करते हैं। आपकी टेबल बनी हुई है, टेबल किस नाम से बनी है, टेबल बनी है हमारी स्कूल टी के नाम से, जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट, एज और रोल नंबर है। रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बनाया था। यहाँ पे देखिए ये पूरा डिटेल आपको ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल है, स्कूल टी, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, इसे वेयर कर रखा, साइज टेन रखी है, एज जो है फ्लोट डेटा टाइप है, रोल नंबर इंट डेटा टाइप है, और इसे प्राइमरी की बना दिया, नॉट नल, प्राइमरी की लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गई प्राइमरी की, ठीक है। तो जो बिगिनर स्टूडेंट है वो गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जो पहले सर्च किया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीधा आते हैं सेलेक्ट फ्रॉम स्कूल टी, और यहाँ से आके सीधा यहाँ से रन करवा देते हैं। रन करवा दिया तो अभी तो ये रन हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया है, सेलेक्ट कर रखा। लेकिन देखिए होगा क्या, जैसे ही इस डेटाबेस को क्लोज करेंगे देन ओपन करेंगे, देखिए यहां पर मैं ओपन करता हूँ, वर्क बेंच लिखता हूँ, ये लिखा वर्क बेंच, यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है उसमें कई बार पूछा भी जाता है। अब यहाँ से आए तो यहाँ से आ तो जाते हैं, लेकिन अब अगर इसको सेलेक्ट करते हैं आप, और सेलेक्ट करके यहाँ से रन करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम लिमिट और इस तरह की चीजें, एरर कोड 1046। तो अभी ये स्टूडेंट्स आर टोटली कंफ्यूज अबाउट दिस कि क्या करें। तो दिक्कत ये है कि आपने अभी तक कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया। आप क्या करिए, ये पूरा उठाइए, या तो आप यूज कर लीजिए डेटाबेस का, तो हम पूरे को सेलेक्ट करके, क्या आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करके तब रन करवाना है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया पूरा डेटाबेस, अब क्या करना है, अब यहां से इसको उठाइए और यहां से रन करवा दीजिए। तो रन करवाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा, देखिए आ गया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें और भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराएं, तो यही इंसर्ट इनटू चलाना है आपको, ठीक है। मैं दिखाता भी हूँ आपको चला करके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम गगन था, और यहाँ रोल नंबर तो हमेशा आपको चेंज करना ही करना है, क्योंकि रोल नंबर को बनाया प्राइमरी की, और प्राइमरी की हमेशा यूनिक रहेगा, कभी भी डुप्लीकेट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक और नाम लिखता हूँ विकास, तो ये विकास लिख दिया, और यहाँ पे इनकी एज भी चेंज कर देते हैं इस बार, हर बार थोड़ा चेंजेस रहेगा, तो ये चेंज कर दिया है। मान लीजिए विकास की एज 23 है, तो यहाँ पे तो चेंज कर दिया। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, फिर यहाँ लगाएंगे एस्ट्रेक, ठीक है, एस्ट्रेक लगाना, एस्ट्रेक यानी ये स्टार वाला सिंबल, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो स्कूल टी नाम है टेबल का, तो बस स्कूल टी दे दीजिए और यहाँ से टर्मिनेशन दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग वगैरह लिखते वक्त बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगी और तब फिर बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन करवा दीजिए। तो जैसे रन करवाएंगे ना, तो देखिए अभी तो गगन ही इसमें दिख रहा है, अभी ये वाला नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसे रन ही नहीं करवाया, इसी वजह से नहीं दिख रहा। तो पहले इसको आप सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ से रन करवा दीजिए। जब रन करवा देंगे तब यहाँ से जाएंगे ना, तब ये दिखेगा। तो अभी जाएंगे तो देखिए ये भी आ जाएगा। तो विकास वाला जो रिकॉर्ड है, जो इंसर्ट नहीं हो रहा था, वो भी इंसर्ट होता चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई है कि कैसे इसको करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपको कोई और भी फील्ड ऐड कराना है, तो कैसे ऐड कराएंगे। जैसे मान लीजिए अभी तक तो नेम ऑफ स्टूडेंट, एज और रोल नंबर ही लिखा, लेकिन मान लीजिए हमको एक सपोज कीजिए सेक्शन ऐड करना है इसमें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्टर कमांड। देखिए ऊपर अल्टर आ भी रहा है, तो ये अल्टर किया, और अल्टर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल का नाम देंगे। तो टेबल का नाम क्या है, स्कूल टी है, तो यहाँ पे सिंपली स्कूल टी दे दीजिए हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको रन करा देंगे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से चलाएंगे सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ एस्ट्रेक, वही एस्ट्रेक लगाना है, फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है, स्कूल टी। देखते हैं ये जो ऐड करवाया नया सेक्शन वाला, जो एक और जो है सेक्शन हमने ऐड करा है, वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देकर के टर्मिनेशन देना है और यहाँ से चला देना है। तो चलाएंगे तो देखिए यहाँ पे सेक्शन भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से नया एडिशन अगर करना हो आपको, नया कुछ कॉलम ऐड करना हो, तो आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी और काफी इससे हेल्प मिलेगी। इस पर और भी वीडियोस आती रहेंगी। इसमें कैलकुलेशन का बड़ा मायने है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं आगे की आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।